जनपद में ठंड को देखते हुए 89,900 जरूरतमंदों को कंबल का जिला प्रशासन की तरफ से वितरण किया जा चुका है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने ठंड से जनपद में अभी तक कंबल वितरण पर कहा कि जनपद के सभी तहसीलों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी मांग किया जा रहा है उसके अनुसार अभी तक 91,900 कंबल क्रय करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 89,900 कंबल का वितरण भी किया जा चुका है जो कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया है। इसके साथ ही इसमें स्वयंसेवी संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कंबल की जितनी मांग की जा रही है समुचित कंबल उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सभी लाभार्थियों के वितरण भी राहत पोर्टल पर अंकित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ठंड में नागरिकों के रुकने के लिए नगर निगम के द्वारा 12 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं और नगर पंचायत द्वारा भी रैन बसेरे संचालित किए गए हैं जिसमें नागरिक आकर रुक रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति ठंड से बाहर नहीं सो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए जो सभी तहसीलों से और जैसा कि माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा जो भी मांग किए जा रहे हैं उसके अनुसार अभी तक जो 91,500 कंबल क्रय करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 89,900 कंबल का वितरण भी माननीय जनप्रतिनिधिगण की गरिमा में उपस्थिति में किया गया है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे स्वेच्छाजीवी संगठनों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और कंबल जितनी भी मांग की जा रही है समुचित कंबल उपलब्ध कराने जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही सभी लाभार्थियों के विवरण भी राहत पोर्टल पर अंकित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शीतलहर से बचाव हेतु इस समय नगर निगम द्वारा 12 रैन बसेरे क्रियाशील किए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायतों द्वारा भी रैन बसेरे क्रियाशील किए गए हैं। तो इस सभी रैन बसेरों में समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई हैं और अधिक लोग मतलब भारी संख्या में भी लोग वहां पर आ रहे हैं और स्टे कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से वहां पर दी जा रही हैं। तो इस तरीके से समुचित व्यवस्थाएं रैन बसेरों की भी जनपद में इस समय रैन बसेरे क्रियाशील है। साथ ही हर जगहों पर तहसीलों के भी माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से, नगर निगम के भी माध्यम से अलाव जलाए जाने की व्यवस्थाएँ समुचित क्षेत्रों में की गई हैं, जिससे कि जो भी राहगीर आ रहे हैं उन्हें समुचित व्यवस्था दी जा सके।